धर्मपुरी वाई। कृष्णा नदी के तट पर बसा एक ऐसा शहर जो किसी जमाने में मंदिरों का गांव हुआ करता था। लगभग 100 से भी ज्यादा यहाँ पर मंदिर बनाए गए थे। यहाँ के घाट और मंदिर जो लाखों लोगों का श्रद्धा स्थान है। साथ ही यहाँ पर लगभग 200 से भी ज्यादा भारतीय फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो चलिए फिर हम भी देखते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं सातारा जिले के वाई शहर में। महाबलेश्वर जाने से पहले लगने वाला यह शहर जो प्रसिद्ध है यहाँ के घाट और मंदिरों के लिए। यहाँ के प्रसिद्ध ढोला गणपति का मंदिर, जिन्हें महागणपति के नाम से भी जाना जाता है, 6 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी यह गणपति जी की मूर्ति एक अखंड पत्थर में बनाई गई है और इस मंदिर का निर्माण गणपतराव भिकाजी रास्ते जी द्वारा किया गया था। इस मंदिर के सभा मंडप को उत्तर और दक्षिण की तरफ 5 कमान है और पूर्व की तरफ 3 कमान है। इस मंदिर का शिखर यहाँ के मंदिरों में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। साथ ही यह मंदिर नदी के पात्र में होने की वजह से बाढ़ से इसका नुकसान ना हो, इसीलिए मंदिर के पिछले हिस्से में कोण भी बनाया हुआ है। अब देखते हैं श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर को। महागणपति मंदिर के बाजू में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान शिवजी के इस मंदिर में प्रवेश करते ही हमें मंदिर परिसर में एक मंडप, 2 दीपस्तंभ और एक स्वतंत्र नंदी मंडप दिखाई देता है। इस मंडप का निर्माण पत्थर का उपयोग करके किया गया है। इस मंदिर के पूर्व की तरफ एक महाद्वार बनाया गया है, जिसके ऊपर एक नगारखाना भी है। इस मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा के कारण तटबंदी की दीवार भी बनाई गई थी और इस मंडप के सामने ही हमें स्वतंत्र नंदी मंडप दिखाई देता है। यहाँ के नंदी महाराज जी के आभूषणों को बहुत ही अच्छी तरीके से तराशा गया है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई स्तंभ नहीं दिखाई देता, एक गुंबज की तरह इस मंदिर को बनाया गया है। अंतराल की दीवार पर श्री महागणपति और श्री विष्णु जी की मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह में माता पार्वती जी और शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस मंदिर के परिसर में एक देवालय है, जिसका नाम गणकेश्वर देवालय है। 250 साल पुराने मंदिर के स्मृति के रूप में यहाँ पर उसकी स्थापना की गई है। यहाँ के घाट के ऊपर श्री कृष्णामाई मंदिर, श्री भुवनेश्वर मंदिर, श्री हरे हरेश्वर मंदिर और भी कई सारे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ का घाट धार्मिक विधि के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही भारतीय फिल्मी दुनिया की शूटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु के साथ ही लगभग 200 से ज़्यादा भारतीय फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर होने की वजह से वाई शहर को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। पेशवाई में इस जगह का महत्व काशी की तरह था। अब चलते हैं घाट से थोड़ा अंदर की तरफ। धर्मपुरी घाट के नजदीक ही और एक मंदिर है, जिसका नाम है श्री विष्णु मंदिर। यहाँ के सारे मंदिरों की रचना लगभग एक जैसी ही है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के इस मंदिर का निर्माण मराठा वास्तु शैली में किया गया है। भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति संगमरमर की बनाई गई है। मंदिर के बाहर गरुड़ जी का एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आनंदराव भिकाजी रास्ते जी द्वारा सन 1774 में किया गया था।
श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। पुणे के बेलबाग चौक पे श्री विष्णु जी के मंदिर में भी इसी तरह की मूर्ति हमें देखने मिलती है। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने ही माता लक्ष्मी का और एक मंदिर है। यहाँ के सारे मंदिरों में यह मंदिर अपनी एक अलग पहचान रखता है। वैसे तो यह मंदिर एक निजी संपत्ति है, परंतु यहाँ पर देवी की पूजा अर्चना और उत्सव निरंतर होते रहते हैं। यह मंदिर मराठा वास्तु शैली का एक उत्तम उदाहरण है। इसके ऊपर एक शिखर और 60 उपशिखर बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण आनंदराव रास्ते जी द्वारा किया गया था। मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ है। मंदिर के विशाल सभा मंडप के स्तंभों की रचना बहुत ही अलग है। स्तंभों वाले सभागृह की छत थोड़ी पतली होने के कारण इसका आकार एक गुफा की तरह लगता है। देवी के आभूषण और अलंकारों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। वाई में और भी बहुत सारे मंदिर है दोस्तों, लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। वाई शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर मेनवली गांव है, जहां पर नाना फडणवीस जी का वाड़ा और मेनवली घाट है, जहां पर मेनेश्वर मंदिर है, एक पोर्तुगीज बेल टॉवर है। मेनवली का एक अलग वीडियो बनाया है दोस्तों, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेनवली से थोड़ा आगे धूम डैम है, जहां पर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बनाया है। यह मंदिर वास्तुकला का एक अलौकिक उदाहरण है, क्योंकि यह मंदिर एक कुएं के ऊपर बनाया है। इसका भी अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए।